मेरे चैनल की किसी भी वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए #technicaljatin या फिर इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन बना होगा उसको दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओ हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप किसी भी रेडमी डिवाइस की कॉलर स्क्रीन की पिक्चर को चेंज कर सकते हो बिना किसी ऐप को इंस्टॉल किए। तो बस इस वीडियो को पूरा देखो, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल का इंट्रो देखना तो बनता ही है। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी गैलरी ओपन कर लीजिए, उसके बाद आपको जोन सी भी इमेज को चूज करना है, सेट करना है अपनी कॉलर स्क्रीन पे। आपको उस पिक पे चले जाना है, उस पे जाने के बाद आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे वहाँ पे, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेट एज़ वॉलपेपर का, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक अप्लाई का भी ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे भी क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा सेट एज़ लॉक स्क्रीन का, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी होम स्क्रीन पे आ जाना है। फिर आपको अपने डायल वाले ऐप को ओपन करना है। आगे आपको अपने रिसेंट वाले बटन पे होल्ड करके रखना है, और जब आप करोगे आपकी जो सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएगी डायलर की। फिर आपको आगे एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस सेटिंग का, तो आपको उस पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे एक और पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिखेगा इनकमिंग कॉल बैकग्राउंड, तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे एक टैब खुलेगा, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा लॉक स्क्रीन वॉलपेपर का, तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अब आपको कोई फ़ोन करता है या फिर आप किसी को फ़ोन करते हैं तो सेम टू सेम वही पिक्चर आएगी जो आपने खुद लगाई होगी, जैसे कि इसमें मेरी आ रही है। वैसे अच्छी लग रही है, चलो छोड़ो इसको। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छी और वीडियोस लाता रहूँ। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर दबा के, साथ में बेल आइकन दबाएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।